नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज स्टेट और मैं आपके साथ में रहती हूं। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। सीएम योगी का आज देहरादून दौरा है। जो अलीग्रांड अस्पताल में भर्ती अपनी मां का जानेंगे हाल, देहरादून से ही दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज देहरादून जाने वाले हैं, जहां पर जाकर वो जॉलीग्रांट अस्पताल में अपनी माता का हालचाल लेंगे, उनसे उनका हालचाल पूछेंगे और जानकारी लेंगे उनके बारे में, क्योंकि अस्पताल में वो एडमिट है, उनका इलाज चल रहा है। ऐसे में जॉलीग्रांट अस्पताल में अपनी मां से मुलाकात करने के बाद देहरादून से ही दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे, जहां पर जाकर मीटिंग में शामिल होंगे। शाम की 6 बजे की बड़ी बैठक बीजेपी की। तो उससे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ये देहरादून दौरा, जहां पर जाकर वो जॉलीग्रांट अस्पताल में अपनी मां से मुलाकात करेंगे, उनका हालचाल लेंगे। बता दें कि आज ही देहरादून से दिल्ली के लिए रवाना भी हो जाएंगे मुलाकात के बाद। आगे के उनके कोई कार्यक्रम नहीं देहरादून में, सिर्फ अपनी मां से मिलना जॉलीग्रांट अस्पताल में और उनका हालचाल लेना उनकी प्राथमिकता। इसके बाद वो दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। तो बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ की मां जो कि बीमार हैं, उनका इलाज चल रहा है जॉलीग्रांट अस्पताल में। ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ देहरादून पहुंचेंगे और वहां जाकर मुलाकात करेंगे। धनराज गर्ग हमारे साथ में जुड़े हुए ज्यादा जानकारी के साथ में। धनराज, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज देहरादून जाएंगे जॉलीग्रांट अस्पताल में अपनी माँ से मुलाकात के लिए। उनके इस दौरे को लेकर क्या कुछ जानकारी, कब तक वो पहुंचेंगे वहां पर, कितनी देर का उनका रुकने का कार्यक्रम वहां पर तय है? जी बिल्कुल, देखिए आज उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, वो उत्तराखंड पहुंच सकते हैं, क्योंकि उनकी माता जी का इलाज देहरादून हॉस्पिटल में चल रहा है कि ऋषिकेश के जो जॉलीग्रांट है वहां पर उनका इलाज चल रहा है। काफी तबीयत खराब बताई जा रही है, हालांकि डॉक्टरों ने भी कहा है कि अभी उनकी हालत स्थिर बनी हुई है और जल्द ही योगी आदित्यनाथ राजधानी देहरादून पहुंचेंगे और अपनी माता का हाल जानेंगे, क्योंकि माना जा रहा है कि 11 बजे तक कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तराखंड पहुंच सकते हैं और अपनी माँ से हाल जानने के बाद तुरंत ही, यानी कि 2 से 3 घंटे के बाद वो दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। जी चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए धनराज। आगे बढ़ेंगे, उत्तराखंड में त्योहार की